हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने हलवे तो बहुत सारे खाए होंगे, गाजर के हलवे, सूजी के हलवे, पर क्या कभी कॉर्न के हलवे खाए हैं? मैं वही भुट्टे की बात कर रही हूँ जो अभी बरसात के मौसम में मिल रहा है। जी हाँ, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भुट्टे की हलवा। ये मैंने मेरी मम्मी से सीखा है और यकीन मानिए ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलिए इसको बनाना अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्वीट कॉर्न को ऐसे छील के ले लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके ले सकते हैं। मैंने इसको हाथों से ही बीज अलग करके लिया है। एक कप हुआ है ये, एक स्वीट कॉर्न लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल जो कॉर्न है वो भी ले सकते हैं। अब मैं इसको मिक्सर जार में डालकर पीस लूँगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं दूध डालूँगी, 2 चम्मच जितना, नहीं तो ये पिसेगा नहीं। अब इसको मैं पूरा फाइन पेस्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा दरदरा रखूँगी ताकि हलवे में वो टेक्सचर आए कॉर्न का। अभी कढ़ाई गरम करके इसमें 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा, नहीं तो कॉर्न जो है वो चिपकेगा और उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। जब घी गर्म हो जाए तब अब इसमें जो कॉर्न का पेस्ट है वो डाल देंगे। आप इसको कद्दूकस करके भी ले लीजिए। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर लगाकर इसको भुनेंगे। आप इसको बिल्कुल ना छोड़े, बस इसमें यही मेहनत का काम है कि आप इसको अच्छे से भून लीजिए। जब तक कि इसका कलर चेंज होके इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए तब तक आप इसको भूनते रहिए ऐसे ही मिला के। तो आप देखिए ये कितना येलो कलर हो गया है। पहले थोड़ा सा पेल येलो था, अभी ये डार्क हो रहा है धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है। अभी 20 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकता है, आपके कॉर्न के क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने तो इसमें एक ही कॉर्न लिया है तो मुझे बस 15 मिनट ही लगे इसको भुनने में। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम इसमें दूध बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कॉर्न पहले से ही मिल्की था, जूसी था। पानी को थोड़ा सा मिलने के बाद इसमें मैं 1/2 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, आपको कितना मीठा खाना पसंद है। तो चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें से काफ़ी सारा पानी रिलीज होगा, जो शुगर है वो मेल्ट हो जाता है तो इसमें पानी आ जाता है। फिर मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। काजू, पिस्ते और बादाम लिया है मैंने। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। बस ये है कि ये डालने से हलवे का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो मैं ये डालने के बाद इसको अच्छे से फिर से मिला लूँगी और थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। अभी मैं इलायची डाल रही हूँ कूट के, आप चाहें तो इलायची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको छिलके के साथ ही डालूँगी। अब ये डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए ये जो थोड़ा थोड़ा जो पानी दिख रहा है हम इसको सुखा लेंगे और बिल्कुल हलवे का टेक्सचर का हम इसको बना लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको ठंडा करके मैं सर्व करती हूँ। मैंने बहुत थोड़ा सा ही बनाया है, आप ज़्यादा बनाइए, अपने पूरे परिवार के साथ इसको एंजॉय कीजिए। तो अगर आप चाहें तो इसको कोई भी पूजा के दिन इसको प्रसाद में भी बना के खा सकते हैं। तो अब ये कॉर्न का हलवा बिल्कुल रेडी है, इसको ठंडा करके मैं खाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो अपने घर पे बनाकर इसको ज़रूर खाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।